डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और किंग खान अपनी अगली फिल्म डॉन 3 कर रहे हैं। ऐसे में मैं राहुल भोज पूछूंगा अपनी जनता से कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो डॉन 3 के लिए। फिल्म में वो क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे, सारी ये बातें आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत बहुत स्वागत है यार बॉलीवुड स्पाई में आपका। सबसे पहला यही क्वेश्चन है, कितने एक्साइटेड हैं डॉन 3 के लिए? बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्साइटेड हूँ मैं डॉन 3 के लिए, क्योंकि एक तो शाहरुख खान है और ऊपर से डायरेक्शन फरहान अख्तर का है, सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। यार हमने देखा था किस तरीके से डॉन 1 में बेहतरीन काम था, फिर डॉन 2 में उससे एक लेवल आगे था। डॉन 3 से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑल एंड ऑल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि डॉन 1 और डॉन 2 से हम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नया पार्ट है और इतना प्रोग्रेस कर चुका है इंडियन सिनेमा टेक्नोलॉजी वाइज, सो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बहुत हाई है। और किंग खान से? किंग खान तो इज लव, सो या किंग खान। अच्छा यार, ये डॉन की जो स्टोरी थी इसमें जंगली बिल्ली का भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, प्रियंका चोपड़ा, क्या लगता है कि डॉन 3 में मतलब उनको रिटर्न करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप तो वो निक जॉनस? हाँ सही बात, कर सकती हैं पर अभी और भी नो एक्चुअली आई डोंट वांट हर बिकॉज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस प्रेजेंट करेंटली। या सो लाइक कियारा अडवाणी कैन बी वन। मेरे ख्याल से जितने सिनेमा प्रेमी हैं सभी एक्साइटेड हैं कि डॉन 3 देखना है, वो भी डायरेक्टर भाई फरहान अख्तर जी। क्यों? तो क्योंकि नए जोनर की फिल्में इस समय धमाल मचा रही है, तो मेरे ख्याल से उस सत्र की जो फिल्म बनी थी डॉन अमिताभ जी की बनी थी, तो आज भी अपने जीवन अपने कल्चर में लोग धारण करते हैं कि डॉन डॉन को तो पकड़ना नामुमकिन है। उनको मतलब जो भी उनके डायलॉग्स हिट हुए थे, बहुत सारी चीज़ें उनकी हिट हुई थी, लोग कास्ट्यूम कपड़ा अपनी एक्टिविटी अपने जीवन में धारण किए थे डॉन फिल्म देख के। तो मुझे लग रहा है कि अब डॉन सीक्वेंस 3 आ रहा है फरहान अख्तर जी का ना, तो देखिए मैं याद रखा हूँ तो मेरे ख्याल से पूरी ऑडियंस जितने सिनेमा प्रेमी सब याद रखे होंगे कि डॉन 3 देखना है, क्योंकि अब इस समय चल रहा है 2019-20 जाने मतलब बहुत आगे आ गया, मतलब सत्र देखा जाए तो 2012-13 में जो आई थी डॉन 2 आई थी, उससे कहीं बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश किए होंगे फरहान अख्तर सर। हम तो यही कहना चाहेंगे डॉन 3 आ रही है और ये फरहान सर की बहुत अच्छी फिल्म है। हमें लगता है कि 2012 में डॉन 2 आई थी जिसका एक डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस 2019 में ये जो फरहान अख्तर जी का फिल्म आ रही है डॉन 3, हमें लगता है इससे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खुशी मिलेगी शाहरुख सर को कि फिर से अपने मैदान में उतर आएंगे। और 0 तो इनकी फ्लॉप तो नहीं कही जाएगी, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, लेकिन हीरो तो हीरो गॉड तो है ही है शाहरुख खान जी। और मैं इस फिल्म के लिए उनको ऑल द बेस्ट, बहुत इच्छा सबकी है, सबसे कहूँगा कि यही कि डॉन 3 आए तो सब लोग देखने के लिए ज़रूर जाइए। क्या पहले फिल्म देखिए, इसके बाद उसमें कमियां बताइए। और फरहान सर तो डायरेक्टर जो हैं, फिल्म मेकर तो ही हैं, और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया होगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा। इट्स शाहरुख खान ऑब्वियसली द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, सो डेफिनेटली वी आर वेरी मच एक्साइटेड। एंड शाहरुख खान हैज़ ऑलवेज गिवन हिट मूवीज एंड आई एम अ वेरी बिग टाइम फैन ऑफ शाहरुख, सो द ओनली वाव एक्टर, सो येस आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यस डॉन 1 आती है जो कि फरहान अख्तर लेकर आते हैं, डॉन 2 उससे एक दो कदम आगे थी, डॉन 3 कितने ज़्यादा आगे होगी, प्लस टेक्नोलॉजी वाइज कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें? एज वी ऑल नो दैट यू नो अभी 0 आई है एंड इट हैज गॉट या अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट इनटू इट, सो एंड शाहरुख विल ऑलवेज कीप ब्रिंगिंग यू नो न्यू फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अपग्रेडेशन इन बॉलीवुड, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच वॉट ही इज अबाउट टू ब्रिंग टू अस। And what you are expecting from Dawn 3, that chapter 3 in Dawn's life? That I'll leave to Farhan Akhtar. Because if that was my work, I would have not went to watch the movie. मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। क्यों मैम? क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज आई हैं एक नंबर आई हैं, जैसे सुपर डुपर हिट गई हैं उनकी मूवीज, तो डेफिनेटली 110% ये मूवी भी अच्छी जाएगी। और शाहरुख खान जी भी एक नंबर एक्टर हैं, जैसे अमिताभ जी हैं वैसे शाहरुख खान जी भी हैं,
सलमान खान जी भी हैं, मैं सभी को एक नंबर मानती हूँ, सेकंड नंबर में किसी को नहीं मानती। अभी जहाँ अभी डॉन 3 मूवी की बात आई, डॉन 3 की मूवी की बात आई, एक बड़ा स्टार है शाहरुख खान जी, ओके आई लाइक इट शाहरुख खान, उनका सब शाहरुख खान बोले तो मैंने सब लोग चाहते ऑल इंडिया पूरा चाहते कि इंडिया ने वर्ल्ड भी चाहते कि ये बड़ा स्टार शाहरुख खान जी की मूवी एकदम अच्छी है, कैसी भी पब्लिक देखने जाती उनको। बट आज एज एन ट्रेंड है, ट्रेंड इज ए टोटल चेंज, मतलब ये चेंज पब्लिक का सोच है। अगर मेरा हिसाब से आई थिंक, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, आई थिंक अभी बड़ा स्टार है छोटा स्टार है ये नहीं देख रही पब्लिक, इज ट्रू। ये तो अभी ये तो समझ जाओ, राइट नाउ KGF एक मूवी कनाडा मूवी रिलीज हुई, वहाँ कनाडा में वो एक छोटा स्टार, बड़ा स्टार नहीं छोटा, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे 2013 में मेरा ऑफिस पे आता था वो यश करके, अभी वो अभी उसकी फिल्म रिलीज हुई सेम टाइम शाहरुख खान की मूवी भी रिलीज हुई, एट द सेम टाइम अलग अलग मूवी रिलीज हुई, नाम नहीं बताना किसी का फिल्म का। तो देखो एक वो भी साउथ में तेलुगु तमिल थोड़ा बड़ा इंडस्ट्री, उस वो अलग बात होती, कभी कन्नाडा फिल्म एक रिलीज होती बोलते कोई उसको ध्यान भी नहीं लगती। ऐसी फिल्म अभी रिलीज हो गई, थर्ड वीक हो गया तो भी चल रही, बट 0 नहीं चल रही, 0 मूवी आके नहीं चल रही। मतलब क्या है, कितना बड़ा स्टार भी हो आज का डेट में, स्टार को लाइक करते हैं, ओपनिंग रहता फिल्म का, हाइप रहता, सब लोग पहला दिन उसको वो फिल्म देखना ही चाहते, वो मैं भी वही चाहता है, डायरेक्टर हो कॉमन मैन भी हो। बट ये थिंक के ये दिमाग सोचना चाहिए कि जो बड़ा हीरो हो छोटा हीरो हो, बड़ा डायरेक्टर हो छोटा डायरेक्टर हो, आज इंडियन स्क्रीन के ऊपर हम बॉलीवुड हॉलीवुड के भी उसके बाप जैसे फिल्म निकाल रहे, जहाँ बाहुबली ऐसी फिल्म। अभी मैं ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी डॉन 3 आ रही बोल रहे, एक्साइटिंग है वो फिल्म देखना करके बहुत मन रहता सब लोगों को, कब आती फिल्म करके वेटिंग द वॉच ऐसा करते, लेकिन उसी टाइम में कोई नए लोग का भी फिल्म रिलीज हुआ, स्क्रिप्ट सब्जेक्ट के बराबर इससे वो बेटर है तो पब्लिक वही चाहेगी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज एज फ्रॉम फार आई हैव सीन डॉन 1 वॉज वेरी गुड एंड डॉन 2 बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वरान अख्तर सर इट वॉज अ ऑसम मूवी बिकॉज ऑफ ऑल दी एनिमेशन एंड इफेक्ट्स एंड इफ यू आर हैविंग फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर फॉर द डॉन 3 मूवी 2 आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट मूवी। यस वही डायरेक्टर हैं, फरहान अख्तर ही डायरेक्टर हैं। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन लेवल कितना हाई है? एक्सपेक्टेशन लेवल तो अभी काफ़ी हाई है क्योंकि जितना हम लोग ने देखा है बॉलीवुड में टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जितना अच्छे कैमराज यूज़ किए जा रहे हैं, जितना हम लोग ग्राफिक्स और एनिमेशन डाल रहे हैं, इफेक्ट्स डाल रहे हैं, उस हिसाब से तो डॉन 3 काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शाहरुख खान ऑब्वियसली इज़ अ गुड एक्टर, ही विल गिव दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफ फरहान अख्तर इज ऑल्सो इज द डायरेक्टर दैन आई होप दिस मूवी विल बी वेरी गुड। चलते चलते फरहान और शाहरुख को अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे दीजिए। फरहान अख्तर सर एंड शाहरुख सर ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट मूवी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी योर मूवी। थैंक यू सो मच यार। दोस्त मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि किंग ऑफ रोमांस जो है हमारे शाहरुख खान वो बादशाह की कुर्सी से थोड़ा बहुत हिल गए हैं क्योंकि पिछली की पास की फिल्म में उनकी फ्लॉप चली गई, फ्लॉप नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्टार की फिल्में तो 100 करोड़ तभी पार कर जाती है। हाँ, जो हम जिस लेवल पे सोचते हैं फिल्म पहुंचाने की तो उस लेवल से थोड़ा कम गई है, फ्लॉप फिल्म नहीं कहेंगे, तभी एवरेज में गई है। एवरेज में उनकी 100 करोड़ की फिल्में वैसे भी कलेक्शन उनका आ जाता है, लेकिन जो हम मानसिकता बनाए हैं कि इतनी करोड़ कमानी चाहिए तो उस लेवल पे नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं है, खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो हारना जीतना तो लगा रहता है। अब ऐसा थोड़ी कि आप शाहरुख खान को हम गॉड बना दें, भगवान बना दें। जनता देखिए, नेता अभिनेता का चयन जनता जनार्दन करती है ना, तो कॉन्सेप्ट नहीं मजा आया होगा। ये चीज है, ऐसा थोड़ी कि हमारे शाहरुख खान जी फ्लॉप चले गए, कॉन्सेप्ट जनता को नहीं पसंद आया होगा, लेकिन जिनके दिलों में राज करते हैं तो आज उनके लिए तो शाहरुख खान गॉड तो हीवे करें। Exactly. तो सिनेमा की लाइन से कैसा उनका रिकॉर्ड होगा, मतलब डॉन 3 से क्या वो वापस उस कुर्सी को हासिल? इंशाल्लाह भगवान ने चाहा ना तो शाहरुख खान जी फिर से वापसी करेंगे और हाई लेवल पे, और फिर से अपने ऑडियंस के दिलों पे राज करेंगे। खैर मैं भी तो उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो चलते चलते आपकी तरफ से शाहरुख खान जी को बेस्ट विशेस। हाँ, मैं तो कहूँगा, मैं अपने दिल से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पूरे समाज, अपने हिंदुस्तान वासियों की तरफ से शाहरुख खान सर को ढेर सारी शुभकामनाएँ डॉन 3 के लिए। फरहान सर को ढेर सारी शुभकामनाएँ कि बेहतरीन फिल्म मेकर तो हीवे करें, और अब की बार क्या बनाए हैं तो
हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। शाहरुख, आई लव यू वेरी मच, आई होप यू आर वॉचिंग दिस एंड आई होप आई समडे गेट टू मीट यू, लव यू। इंशाल्लाह आपको जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। देखिए क्या है ना, अभी स्टोरी जैसे चेंज हो रही है टाइम के अनुसार। पहले क्या है, पहले पुरानी मूवीज़ चलती थी, अभी डॉन पहले पुरानी मूवी थी, इज़ ओल्ड मूवीज़। उसके बाद डॉन वन आई, अभी A3 आ रही है। तो डेफिनेटली स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो स्टोरी भी चेंज होगी। तो जैसा माहौल बनता है डायरेक्टर भी उसी हिसाब से स्टोरी को चेंज करते हैं। उसमें कॉमेडी एक्शन ज़्यादा रखते हैं आज की डेट में, क्योंकि देखा जाए तो हर जगह पूरे इंडिया में हो या बाहर कंट्री में हो एक्शन ज़्यादा हो गया है, कॉमेडी कम हो गई है। पहले क्या है, पहले तो कॉमेडी भी चलती थी, एक्शन कम रहता, रोमांस चलता था, एक्शन इतना नहीं चलता था। लेकिन अभी क्या है, एक्शन ज़्यादा चलने लगा है, कॉमेडी थोड़ा कम हो गई है हर पिक्चर में। देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन जनता अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दोस्तों। अभी तो फिल्म की सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप भी विश कीजिए, हम भी विश करते हैं और डॉन 3 जो आने वाली है जल्द से जल्द वो सुपर डुपर हिट जाए और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए। अगर आपको कुछ अपनी बातें कहनी है, मतलब कि कितने एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डॉन 3, तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि चैनल आप लोगों का अपना चैनल है जिसका नाम है बॉलीवुड स्पाई। अच्छा हाँ, एक और नया चैनल है जो कि आपका हो सकता है, इट्स कॉल्ड फिल्मी आरा, FILMYYAARA। तो फिल्मी आरा में भी जाकर आप एक्साइटिंग अपडेट्स पा सकते हैं बॉलीवुड की। नाम है राहुल भोज, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन प्रणित, डॉन 3।